मंत्री व नगरोटा के वर्तमान विधायक जीएस वाली ने प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाई गई हाइड्रो पॉलिसी को असफल करार दिया है। वाली के अनुसार जनवरी और फरवरी महीने में आवंटित हाइड्रो प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व नगरोटा के वर्तमान विधायक जीएस वाली ने प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाई गई हाइड्रो पॉलिसी को असफल करार दिया है। वाली ने कहा कि इस पॉलिसी में हिमाचल वासियों के हितों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों को जनवरी और फरवरी महीने में करीब 750 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्टों का आवंटन किया गया था, उन्होंने अभी तक इस संबंधित 350 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, जिससे प्रदेश को मिलने वाली करीब 12.5% बिजली का नुकसान भी प्रदेश को उठाना पड़ा है। जो पावर प्रोजेक्ट इन्होंने अलॉट किए माह जनवरी फरवरी में, आज तक उनके पैसे जो हैं वो सरकार के खजाने में जमा नहीं हुए। तकरीबन 350 करोड़ की राशि जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर जमा होनी थी और वो जमा नहीं कराई गई, मगर आज स्थिति ऐसी है कि ये लोग ना पैसे जमा करा रहे हैं, ना हिमाचल के प्रोजेक्ट जो हैं वो अपनी शेप ले पा रहे। उससे क्या हुआ, एक जो इन्होंने फ्री पावर कही थी, किसी ने 25% कही है, किसी ने 20 कही है, किसी ने 30 कही है, प्लस 12.5% जो फ्री पावर हमें तो ओल्ड पॉलिसी के मुताबिक मिलती थी वो नहीं मिल रही। जीएस वाली ने ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट घोषित करने की मांग की है। वाली ने कहा कि इसके लिए पुरानी पॉलिसी को ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचली लोगों को छोटे नालों में प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में पानी तक उपलब्ध नहीं है। क्लियर कट इसमें ऐसे लगता है कि कुछ लोग जो हैं इतने प्रभावशाली हैं कि ना तो वो हिमाचल में पैसे जमा करा रहे हैं और ना ही वो अपने प्रोजेक्टों को कैंसिल होना देना। इनको ब्लैकलिस्ट किया गया कंपनियों को, जिन्होंने प्रोजेक्ट लेने के बाद पैसे जमा नहीं कराए हैं। They have no business to come time and again to the government, and not only these companies, their associate also. क्योंकि एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे तो दूसरी कंपनी में जाकर के दूसरे नाम से जो है वो अपने आप इसको द्वारा से टेंडर दे देते हैं। This is a very very serious this thing. दूसरा, हिमाचलियों को देने में इतना विलंब हुआ, ये जो है प्रोजेक्ट है, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना हूं, चाहे कोई सरकार हो, इतना विलंब हो गया कि अब नालों में पानी नहीं है तो वो प्रोजेक्ट दे दिए, बेचारे अपना वो असेस भी नहीं कर पाएंगे कि कितना पानी रह गया कितना नहीं रह गया। प्रदेश में बीते दिनों रही सूखे की मार पर पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट तैयार करके प्रभावित किसानों और बागवानों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है। के चैनल धर्मशाला। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर बिलासपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में जारी केंद्र की योजनाओं पर एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का भी आग्रह किया। बिलासपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हर समस्या को केंद्र के सिर मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने अपने माध्यम से या वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जितनी भी योजनाएं प्रदेश में चलाई हैं, उन्हें प्रदेश की वर्तमान सरकार अपना करार दे रही है। जब से ये नई सरकार बनी और जो भारतीय जनता पार्टी को आज नई सरकार का जो डर है, जो दिल में बैठा है, आज आए दिन मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के ऊपर हर बात को फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी समस्या ले लीजिए, बिना पैसे के उसका समाधान नहीं होता, और खासकर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उन स्कीम्स पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिया हुआ धन जो है उसको ये नहीं स्वीकारते कि केंद्र सरकार ने पूरे मुल्क के अंदर इन स्कीम्स को अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक और चाहे वो वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड स्कीम है, चाहे वो
कहीं पे जापान सरकार से या दूसरी सरकारों से मदद से यहां पे स्कीमें चली हैं, हमेशा उन सारी स्कीमों को अपने नाम पर करवाने का प्रयास हो रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की आए दिन हो रही मनमानी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी हाईकमान से आग्रह किया है कि प्रदेश में केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों पर जंग लग गया है और सरकार के नुमाइंदे अपने गृह क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार आज प्रदेश के हितों के साथ अनदेखी कर रही है। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। खिलाड़ियों में आत्मसमर्पण, अनुशासन और आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। इन्हीं तीन गुणों से खिलाड़ी अपनी मंजिल को पा सकता है। ये बात उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर ओपी शर्मा ने कही। ओपी शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में आयोजित 10 दिवसीय समर कोचिंग कैंप के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बिलासपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खिलाड़ियों के लिए 10 दिवसीय समर कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में प्रदेश भर के विभिन्न भागों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया और कैंप के माध्यम से अपने खेल को और बेहतर करने का प्रयास किया। 10 दिवसीय समर कोचिंग कैंप के समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर ओपी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ओपी शर्मा ने बताया कि कैंप के माध्यम से खिलाड़ियों के हुनर में निखार लाने का प्रयास किया गया है। ये कैंप इसलिए लगाए गए थे ताकि जो बच्चे ऑलरेडी गेम्स जो है सीख चुके हैं उनके हुनर को निखारा जाए। जो खेल है वो कुछ चंद दिनों में नहीं आते हैं, इसके लिए तो पूरा जीवन लगाना पड़ता है और आपका तो जीवन अभी शुरुआत है। जो गेम्स में होना चाहिए कि खिलाड़ियों में आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, सही माने में उन गेम्स में वो प्रशिक्षित हो और उनकी जो मनोस्थिति है वो भी आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। कैंप को लेकर प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि इस तरह के कैंपों के माध्यम से ही खिलाड़ियों में छुपी प्रतिभा को निखारने का मौका मिल पाता है। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। एक नए कार्यक्रम के इस अंत में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें ताकि हम अपने कार्यक्रम में और अधिक सुधार ला सकें। और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक नजर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।